Step up or not? हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे एमटीवी अवार्ड के बारे में। तो वीडियो को पूरे देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला अपडेट है काफी कमाल का, जोकर वर्सेस पेरी वंडर वुमन का यूरो कॉमिक कॉन में पहला स्टैंडिंग पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। देन उसी के साथ डीसी यूनिवर्स ने वंडर वुमन का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट बनाया, जो कि ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया गया। आप जाके फॉलो कर सकते हो, आपको सारे कॉमिक कॉन के अपडेट, कॉमिक बुक के अपडेट और मूवी से रिलेटेड अपडेट सारे मिल जाएंगे ओनली वंडर वुमन फैंस के लिए। देन उसी के साथ जैक स्नाइडर की अपकमिंग मूवी थी जस्टिस लीग 2, उसमें जो डार्क साइड का लुक था वो फाइनली ऐसा कुछ दिखता था, तो क्लियर तो नहीं है पर आप जाके देख सकते हो, मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया है। साइबॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जस्टिस लीग मेंबर का, जो कि आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा दोबारा से रिटर्न, या तो बैटमैन मूवी हो सकती है या फ्यूचर की कोई भी मूवी हो सकती है कैमियो के तौर पे। ब्लैक एडम का रोल प्ले करने वाले डेन जॉनसन वो काम कर सकते हैं फ्यूचर में एमसीयू में पॉसिबली, क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी सारे अपडेट आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। देन हंगर्स गेम, सभी ने इसके तीन पार्ट देखे होंगे, अब इसका एक और पार्ट आ रहा है जो कि एक प्रिक्वल मूवी है, और देन अगर आप सीरीज के फैन हो तो आपके लिए काफी बड़ी ये खुशखबरी भी है। देन एक और काफी कमाल का ज्यादा अपडेट जो है सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड, तो मार्वल स्टूडियो डिज्नी कंपनी ने मना कर दिया कि वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने क्लियर मना कर दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि वो मार्वल स्टूडियो फेज 4 को लॉन्च नहीं करेंगे। पर आज के टुडे का दिन का अपडेट ये है कि वो मार्वल स्टूडियो और यानी कि डिज्नी की जो अच्छी अच्छी मूवी है वो सब कुछ लॉन्च करने वाले हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, और पॉसिबली मार्वल फेज 4 का तो नाम है इस अपडेट में। और देन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अपडेट देखने को मिलेंगे वो फ्यूचर से रिलेटेड मूवीज होने वाली है, जिसमें कि ब्लैक विडो भी हो सकती है, उसका टीजर, फर्स्ट फुल लुक, कुछ भी। और सैन डिएगो में ये सारे पोस्टर भी लगा दी गए हैं, उन्हें बता रहे हैं कि मार्वल स्टूडियो भी आएगा इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, तो काफ़ी ज़्यादा मजे आने लग रहा है। और देन आप बिहाइंड द सीन इमेजेस भी देख सकते हो। देन उसी के साथ एमटीवी अवार्ड्स में बेस्ट एवेंजर एंड गेम को पिक्चर मिला है अवार्ड, जो कि 2019 की थी। और देन उसी के साथ जो रूसो ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने लायक थी, इसका एक वीडियो भी पड़ा है, तो आप जाके ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हो, वरना मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा। उसी के साथ कैप्टन मार्वल और गीमा चैन को बेस्ट फाइटिंग का अवार्ड मिला है, और कैप्टन मार्वल यानी ब्री लैंसन ने अपनी सपोर्टर को भी क्रेडिट दिया है, यानी कि जो कि स्टंट कर दिए कैप्टन मार्वल का, तो ये दोनों बगल में खड़ी आप देख सकते हो। देन इसी के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आयरन मैन के लिए, जो कि मार्वल फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ सोनी कंपनी ने स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम का एक आर्ट लॉन्च करा है, जिसमें कि स्पाइडर मैन आराम से लेटा हुआ है, कान में स्पीकर लगे हुए हैं, हाथ में फोन है, काफ़ी कमाल का पोज लग रहा है। और देन अब तो 2 वीक्स रह गए, तो मज़ा आने वाला है भाई बहुत ही ज़्यादा। उसके साथ एमजे का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है, जो कि रेड कलर के बाल है, जो कि आइकॉनिक कैरेक्टर है, और फाइनली हमें रेड कलर के बाल देखने को मिलेंगे। देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का लूडी, तो ये शायद पॉसिबली सांगची का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवी है, और इसमें डॉनी को भी ऐड करा गया है, जो कि आईपी मैन का रोल प्ले करते थे अगर आपने इनकी मूवी देखी है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये दो कैरेक्टर बात चल रही है मार्वल स्टूडियो में, और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। देन उसी के साथ एक बिहाइंड द सीन इमेज, जिसमें ब्लैक विडो, हमारे शॉन गन और हमारे जेरेमी रनर और हमारे वॉर मशीन यानी डॉली, तो ये आराम से बैठे हुए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का विश्वास फूट गया है, क्योंकि कहते थे कि मार्वल स्टूडियो में फ़ोन यूज़ करना मना है, पर इस इमेज से देख के लग रहा है कि हाँ, मार्वल स्टूडियो में फ़ोन यूज़ कर सकते हो शूटिंग के दौरान भी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।